ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की गुप्त सूचना पर ड्रग विभाग पटना और पटना पुलिस के द्वारा कंकरबाग थाना क्षेत्र में नकली और नशीली दवा के गोदाम पर छापा मारा गया, जिसमें डिस्प्रिन टैबलेट, हिमालय कंपनी की लिब 52 सिरप, बोनसन सिरप, सिप्ला कंपनी का इनहेलर, एविल इंजेक्शन, लेगेसिक एवं मार्फिन इत्यादि कई ऐसी दवाएं बरामद की गई है। वहीं मौके से पटना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ड्रग विभाग और कंकरबाग थाने की पुलिस की साझा कार्रवाई में ये पूरे नकली और नशीली दवा के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें माफिया सहित सागर, आदित्य और सियाराम को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में पुलिस ने माफियाओं द्वारा स्टॉक किए ऐसी दवाई बरामद की है जो डॉक्टरों के परामर्श पर मरीजों को दिया जाता है। वहीं इनके पास से अवैध रूप से भंडारण कर रखे गए इन दवाओं को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए बिहार ADC सचिदानंद प्रसाद ने बताया है कि बिहार नारकोटिक्स विभाग के द्वारा निर्गत औषधि विभाग की कार्रवाई ऐसे नकली दवा के कारोबारी पर की जा रही है। अब तक लगभग 25 लोगों की गिरफ्तारी नकली और नशीली दवा के कारोबार में जुड़े मामले को लेकर किया गया है और यह कार्रवाई निरंतर ऐसे माफियाओं पर चलाया जा रहा है। अभी जो है लोहिया पार्क के बगल में सागर और सियाराम जो पकड़ा गया है, उसमें लीजेसिक विप्रेन ऑर्फिन इंजेक्शन उनके द्वारा बरामद किया गया है, उनके कस्टडी से बरामद किया गया है और इनकी निशानदेही पे और छापेमारी हुई है। वहाँ और लोगों से आदित्य भी गिरफ्तार है, 3 आदमी गिरफ्तार है उसकी निशानदेही पे, फिर दूसरी जगह से भी। कितनी क्वांटिटी होगी सर, क्या आकलन किया जा रहा है? क्वांटिटी जो है ये एम्पल मिले तो हजारों एम्पल हैं और हजारों एम्पल जो हैं अभी काउंटिंग चल रही है, उसके साथ आपका एविल भी है, क्लोरफेनिलमैलेट भी है। कितने ब्रांड दवाओं के हैं? दो ब्रांड है। लीजेसिक है, ये कहीं दिल्ली की कंपनी के द्वारा बनाई गई। नशे में युवा लोग को बेचा जाता था, नशे कर लिए। हाँ, जो नशेड़ी के जेडी हैं वो जिनको आदत लग गई है उनको दी जाती है। जो कारोबारी थे वो खुद भी नशे के आदी था। बिल्कुल। वहीं ईस्ट SP भारत सोनी ने बताया कि पिछले कई दिनों कंकरबाग में नकली और नशीली दवा के कारोबारियों की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आज शनिवार को नकलची कारोबारियों पर शिकंजा कसा गया है। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। 3 लोग गिरफ्तार। देखिए, ये लगातार जो अभियान चलाया जा रहा था कि जो कि यहाँ पे कंकरबाग पत्रकार नगर में शिकायत मिल रही थी कि लोग जो है इंजेक्टेबल जो है नशीले पदार्थ यूज़ कर रहे हैं, जिसमें बुफिरोन और फाइन और उसमें एविल के इंजेक्शन को मिक्स करके जो है वो यूज़ करने की शिकायत मिल रही थी, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर और ADC जो हैं उनके साथ थाना की टीम ने रेड किया है और अच्छी मात्रा में जो है ये इन दोनों तरीके के जो एम्पल है वो बरामद किए गए हैं। उनकी अभी जो है लगातार उसमें हम जो भी इनके फॉरवर्ड लिंक है, बैकवर्ड लिंक है, उसका भी हम पता कर रहे हैं और सारे एविडेंस कलेक्शन के पश्चात जो और भी इस गिरोह में शामिल हैं उन सभी के खिलाफ भी जो है लगातार हम कार्रवाई करेंगे और पूर्व में भी कार्रवाई की गई है और ऐसे ही लगातार आगे भी कार्रवाई इस संदर्भ में की जाएगी। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितनी बरामदगी? देखिए, अभी जो है 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। बरामदगी के संबंध में अभी लगातार जो है उसमें अभी हम SS उसको कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एविल के भी जो है एम्पुल बरामद हुए हैं और जो प्रोहिबिटेड ड्रग है NDPS के अंदर उसका असेसमेंट किया जा रहा है। एविल के इंजेक्शन उसको अलग से उसमें जो है उसके काउंटिंग की जा रही है। कौन कौन से ड्रग जो है इसमें फायदा है? देखिए, इसमें जो एक वो जो एनेस्थेटिक ड्रग है बुफ्रिन और फाइन उसको जो है कहते हैं, उसकी जो उसका जो सेवन लोग इंजेक्ट करके करते हैं। एविल जो नॉर्मली लोग हम एलर्जी के समय जो सब्सटेंस जिसको हम यूज़ करते हैं उसको मिक्स करके ये लोग इसका जो है सेवन करते हैं। सर, गिरफ्तार कहाँ से लोग हुए? जी, क्षेत्र से। जी, अभी गिरफ्तारी जो है कंकड़बाग
से हुई है और अन्य थानों में भी जो छापेमारी जो है उसमें अभी भी की जा रही है। क्या इसका लिंकअप सर गोनमित्रा रोड से माना जा सकता है? जी बिल्कुल, इसका जीएम मित्रा रोड से इसका लिंकअप है और पैरपुर में जो बहादुरपुर थाना में भी जो गिरफ्तारी हुई थी, कदम कुआं से भी जो हुई थी, उस सभी से इसका लिंक है। कीमत कितना है बताई जा रही है? देखिए उसका असेसमेंट अभी एडीसी और ड्रग इंस्पेक्टर कर रहे हैं। आपका जो इसका प्रेस ब्रीफ है इवनिंग तक, जब ये ड्रग इंस्पेक्टर इसका असेसमेंट कर लेंगे आपको इवनिंग तक दे दी जाएगी। सर क्या ये जो भी ड्रग में पकड़े गए हैं लोग, ये पहले से पूर्व में किसी मामले में जेल जा चुके हैं या फिर इसी से संलिप्त पहले? देखिए इनके द्वारा बताया गया है कि ये पूर्व से लड़ाई झगड़े में जेल गए हैं और ये तीनों व्यक्ति भी जो है इसी नशे का सेवन जो है वो कर रहे हैं। अभी इनको हमारे यहाँ रखा जा रहा है और उसके बाद इनको भी आज ही फॉरवर्ड जो है करने का प्रयास किया जाएगा।